तो भाई अब बस चंद घंटे बचे हैं भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला शुरू होने में, और इस महामुकाबले से पहले भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है। बहुत बड़ी गुड न्यूज मतलब बहुत बड़ी, क्योंकि भैया वो गुड न्यूज ये है कि जो शुभमन गिल हैं वो बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हैं और 95% चांसेस है कि शुभमन गिल हमें पाकिस्तान के खिलाफ शतक मारते हुए दिखेंगे, मतलब खेलते हुए दिखेंगे मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अब खेलेंगे तो शतक तो मारेंगे ही ना, अब अहमदाबाद के मैदान में शतक नहीं मारेंगे तो फिर कहां मारेंगे। अब देखो ये जो कंफर्मेशन आया है ये इसलिए भी आया है क्योंकि भैया शुभमन गिल ने अभी कुछ ही देर पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे नेट्स पे गुजारा है, बैटिंग करी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब खेल लेंगे। भाई खेल लेना प्लीज यार, पाकिस्तान के खिलाफ खेल लो, बाकी आगे आगे खेलना है नहीं खेलना है वो आप देख लेना। ठीक है समझ गया। लेकिन भाई जैसा कि आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इस भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से कुछ देर पहले एक सेरेमनी रखी गई है जहां बहुत सारे सिंगर्स को बुलाया गया है, शंकर महादेवन को, सुखविंदर सिंह को, अरिजीत सिंह को। और भाई कल के दिन अरिजीत सिंह ने ये कंफर्म करा जैसे ही कि कौन सा गाना वो इस सेरेमनी में गाएंगे, तब से पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए हैं। अब वो गाना कौन सा गाने वाले हैं बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ बेसब्र हो रहे हो, बता रहा हूँ। लेकिन क्या तुमको इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में बैठ के गाने सुनने हैं या कुछ और भी करना है? सबसे पहला काम तो यही करना है कि जिताना है इंडिया को, सारा भैया जोर लगा देना है कि कुछ भी करके भारत इस मैच को जीत जाए। लेकिन सेम टाइम पे मुकाबला बड़ा है तो जाहिर सी बात है पैसा कमाने का मौका भी यहाँ पे बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात है टीम वगैरह बना रहे होगे, प्रेडिक्शन वगैरह कर रहे होगे, कौन सी टीम जीतेगी, कौन प्लेयर चलेगा, कौन प्लेयर कितने रन मारेगा, तो ये सारी प्रेडिक्शन तुमको कहाँ पे मिलेगी, वही मिलेगी जहाँ हर मैच से पहले एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलती है। अब कल का मैच था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच, बहुत लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन इंडिया की नंबर वन लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि जीतेगी तो साउथ अफ्रीका ही। तुमको भाई प्रूफ भी दिखा रहा हूं, तो जल्दी चले जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जाके व्हाट्सएप कर दो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन प्लेयर चलने वाला है, कौन नहीं चलने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन कितना चलने वाला है, कौन कितना कम चलने वाला है, सारी प्रेडिक्शन वहां पे आ गई हैं और धीरे धीरे और ज्यादा आएंगी। जल्दी जाओ टीम वगैरह बनाओ, प्रेडिक्शन वगैरह करो और मैच देखते देखते मजे लेते लेते पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले एक सेरेमनी रखी गई है जहां बहुत सारे सिंगर्स को बुलाया गया है, अरिजीत सिंह को, सुखविंदर सिंह को, शंकर महादेवन को, उसके अलावा कुछ छुटंगे मुटंगे और सिंगर बुलाए गए हैं। लेकिन अरिजीत सिंह ने कंफर्म किया है कि वो जो गाना गाएंगे वो ये होगा, ना फिकर ना शर्म ना लिबास एक बार आया है। जितना गंदा मैंने गाना गाया है ना उतने ही गंदे तरीके से इंडिया तुमको पाकिस्तान को हराना है, ये बात याद रखना। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान खान भी इस मुकाबले में शिरकत करने वाले हैं, हालांकि वो अपनी अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को प्रमोट करने आ रहे हैं और पता नहीं वहाँ सलमान खान आके करेंगे क्या, क्योंकि सलमान खान मुझे थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं जब मामला आता है इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि कभी मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने चले जाते हैं तो कभी पाकिस्तान से जोया को इंडिया लेके आ जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। एक इंसान है जो अपने उसूलों को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहता है और उस इंसान का नाम है नन अदर देन रिंकू सिंह। देखो जब से रिंकू सिंह ने थोड़ा सा पैसा बनाना शुरू किया है, जब से उनको थोड़ा सा नाम मिला है, थोड़ी सी शोहरत मिली है, उन्होंने क्लियर एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं जितना भी कमाऊंगा उसका एक अच्छा खासा जो परसेंटेज होगा वो मैं दान करूंगा, वो बहुत लोगों की हेल्प में लगाऊंगा, उन सारे लोगों की खासकर हेल्प में लगाऊंगा जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास हॉस्टल में रहने के लिए उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, किट्स वगैरह बाय करने के लिए उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, उन लोगों की मैं मदद करूंगा। और भाई हाल ही में रिंकू सिंह ने जब एशियन गेम्स में गोल्ड जीता तो उन्होंने 11 लाख रुपए यहां पे कमलपुर उत्तर प्रदेश में एक टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए दान कर दिए। रिंकू भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। अब जहां बात जीतने की आ गई है तो देखो भाई यहां पे एक बात तो एकदम सत्य है कि अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है तो विराट कोहली को चलना होगा, अच्छे से चलना होगा। लेकिन जब बात देखो आ जाती है वर्ल्ड कप की ना, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ साथ कह लें या विराट कोहली से भी थोड़ा ज्यादा जो उम्मीद
उम्मीदें लग जाती हैं वो रोहित भाई से लग जाती हैं, क्योंकि विराट कोहली चलेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर रोहित भाई चलेंगे तो इंडिया बहुत ही आसानी से जीतेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में रोहित भाई का एक अलग ही फैक्टर चलता है। यही रीजन है कि हाल ही में जब वो चले थे ना किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक दिन में हजारों रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। और रोहित शर्मा जो चेज मास्टर का टैग है वो भी कहीं ना कहीं विराट कोहली से वर्ल्ड कप में छीन लेते हैं, क्योंकि जब सवाल ये उठता है कि साल 2019 से वो कौन सा प्लेयर है जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप में चेज करते हुए सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाई हैं, तो भाई तुम सुन के चौंक जाओगे या फिर शायद ना भी चौंको कि पूरे पाकिस्तान ने, सिर्फ किसी प्लेयर नहीं, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2019 से लेके अब तक आईसीसी वर्ल्ड कप में कुल 3 सेंचुरी लगाई है, और वहीं रोहित शर्मा ने अकेले 4 सेंचुरी जड़ दी है, वो भी जब बात आ रही है सिर्फ चेज करते हुए। ओवरऑल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चेज करते हुए पूरे पाकिस्तान ने कितनी लगाई है वर्ल्ड कप में, कितनी, 3 सेंचुरी लगाई है, और रोहित शर्मा ने अकेले 4 मार दी। चलो अच्छा, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सुन लो कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, आईसीसी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो कौन सा प्लेयर है जिसने चेज करते हुए ज्यादा रन मारे हैं, तो भाई 3 नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने 25 इनिंग में 1054 रन मारे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शाकिब अल हसन, जिन्होंने 36 इनिंग में 1070 रन मारे हैं। और नंबर 1 पे आते हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में चेज करते हुए मात्र 26 इनिंग में 1094 रन मारे हैं। यानी कि फिर से ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऑफिशियली तो चेज मास्टर कहा जाता है विराट कोहली को, लेकिन जब बात आ जाती है वर्ल्ड कप की तो रोहित शर्मा अलग ही भूत बनाने पे आ जाते हैं चेज करते हुए। चाहे पहले बैटिंग करें, कुछ भी करें, भूत बनाने पे आ जाते हैं, लेकिन चेज करते हुए भी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो कुल मिला के बस मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना जरूरी चलना होगा विराट कोहली का, जितना जरूरी चलना होगा शुभमन गिल का अगर वो खेलते हैं, जितना जरूरी होगा बाकियों का भी चलना, उससे थोड़ा सा ज्यादा यहां पे जरूरी होगा रोहित शर्मा का। ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मान के चलती है कि रोहित जो हैं वो सस्ते में निकल जाएंगे, तो रोहित अगर इस मैच में चलेंगे वो हमारे लिए बोनस होगा। और भाई जब चलेंगे तो ऐसा चलेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये सोच रही होगी इससे अच्छा तो ये ना ही चलता। वैसे आप लोगों को यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को जो मैच हराया था उसके बाद रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तो इंटरव्यू दिया ही दिया था, लेकिन उसके बाद एक और इंटरव्यू यहां पे रोहित शर्मा का सामने आता है जो ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा लिया जाता है। और वहां पे जब उनसे एक सवाल करा जाता है कि आपको पता है आपने किसी का रिकॉर्ड तोड़ रखा है आज, तो पता है रोहित शर्मा क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हां, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हैं क्रिस गेल, जिनका रिकॉर्ड मैंने आज तोड़ दिया है, पर यूनिवर्स बॉस एक ही था, एक ही रहेगा, जो कि है क्रिस गेल। थोड़ा सा बड़प्पन यहां पे रोहित शर्मा दिखा रहे हैं, वरना जितनी आसानी से उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो भाई मैं ये पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि रोहित शर्मा भी किसी यूनिवर्स बॉस से कम नहीं है। हालांकि उनको हिटमैन भी कहा जाता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा टैग है, पर यूनिवर्स बॉस हमारे लिए भाई देखो रोहित शर्मा ही है। हाँ, क्रिस गेल भी एक नंबर के यूनिवर्स बॉस थे, लेकिन रोहित शर्मा है। हालांकि रोहित शर्मा अपनी बात को अंत करते हुए ये भी कहते हैं कि देखिए मेरा जर्सी नंबर 45 है, क्रिस गेल का जर्सी नंबर 45 है, तो मैंने अगर उनका रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है मुझे लगता है कि वो भी मेरे जितना ही खुश होंगे। मैं तो ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन क्रिस गेल थोड़े से ज्यादा ही खुश होते हैं हर चीज पे, तो शायद वो मेरे से भी ज्यादा खुश होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा है। पर पता है इसी इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही कमाल का मोमेंट देखने को मिलता है, जब रोहित शर्मा आराम से बातचीत कर रहे होते हैं तभी विराट कोहली थोड़ा उनके करीब आते हैं और पता नहीं उनका दिल करता है तो वो कह देते हैं वेल प्लेड रोहित, क्योंकि रोहित भाई ने उस मैच में इतनी कमाल की पारी खेली थी कि विराट कोहली ने कहा जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और जैसे ही विराट कोहली ये लाइन रोहित शर्मा से कहते हैं तो रोहित शर्मा विराट कोहली को गले लगा देते हैं। अब बताओ मतलब क्या इससे बेहतरीन चीज हो सकती है? यही तो असल मोमेंट है, यही तो वो दिन है जिसके लिए भाई कभी क्रिकेट देखना शुरू किया था। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि यार लड़कों को आखिर क्या चाहिए होता है, वो क्या चीज होती है जिससे लड़कों को खुशी मिलती है? भाई ये जो मोमेंट हम देख रहे हैं ना, यही देख के हमें खुशी मिल जाती है। जब आईपीएल 2023 के फाइनल में धोनी ने जडेजा को गोद में उठाया था, हमें वो देख के इतनी खुशी मिल गई थी, उसके बाद हमें कुछ भी और कामना नहीं चाहिए थी जिंदगी में। सेम टाइम पे अभी जिस तरीके से रोहित भाई कोहली भाई गले मिलते हैं चलते हुए मैच में या मैच के बाद, भाई अलग ही तसल्ली मिलती है, अलग ही राहत मिलती है, अलग ही सुकून मिलती है।
मिलता है। वाह भाई, उर्दू का शायर बन सकता हूँ मैं तो। What? बाकी भाई, और जाते जाते तुम्हारा मूड बना ही देता हूँ। देखो, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था ना कि अमेरिका के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, रैपर हैं, यूट्यूबर हैं, चाहे जो कहें, कुछ ना कुछ हैं, आप ये समझ लीजिए, जिनका नाम स्पीड है, जिनको आई शो स्पीड भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना नाम पूरा आई शो स्पीड बताते हैं। उनके हैंडल का नाम आई शो स्पीड है। अगर किसी को नहीं पता है, जाके उनका हैंडल देख लीजिएगा। वो इस समय इंडिया में क्या क्या बवाल काट रहे हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। भाई, स्पीकर में तुड़क तुड़क तुम गाना लेके बंदा भैया दौड़ रहा है सड़कों पे, कह रहा है नाचो मेरे साथ। भाई ऐसा नहीं होता है, वो मूवियों में दिखता है कि ऐसे भैया झूम रहे हैं, गा रहे हैं चलती सड़कों पे। इतनी आसानी से नहीं नाचते हैं यहाँ लोग, थोड़े से शर्मीले होते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जब से यहाँ पे स्पीड आए हैं, लगातार पाकिस्तान की तौहीन किए जा रहे हैं, इंडिया की जर्सी पहन के हैं, विराट कोहली की ऐसे ही इंसल्ट करे जा रहे हैं। लेकिन कल के दिन भैया धोती वगैरह पहन के वो यूं ही मैदान में बैटिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही उनके बल्ले से बॉल मिस होती है, यानी जब वो डॉट बॉल खेलते हैं, तो वो कहते हैं मैं कहीं पावर बैटिंग नहीं कर रहा हूं। और सौ लोग कहते हैं कि भैया ये है बेस्ट क्रिकेटर। मतलब बाहर के बंदे, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, वो इतनी घनी बेइज्जती कर रही है, जो कि एक नॉर्मल क्रिकेटर की बंदा नहीं करता है। और बताइए, इनको फ्यूचर का विराट कोहली बनना है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का स्पीड की इस बात पे या इस कमी के बारे में क्या कहना है, जो भी आपके मन में आ रहा है, आपको लग रहा है क्या थोड़ा सा ज्यादा हो गया, या फिर बातों ही बातों में सत्य इनके मुंह से निकल गया, जो भी आपकी राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा कि तुमको पता ही है कि कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है आकांक्षा प्रेडिक्शन का। भैया इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर टीम नहीं बनाने वाले हो, प्रेडिक्शन नहीं करने वाले हो, तो फिर क्या ही करोगे जिंदगी में। और जब ये सब करने ही वाले हो, टीम बनाने वाले हो, तो उन तेरों को चुनो जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये चलेंगे। अगर नहीं पता है, तो जैसा मैंने कहा, जिनका टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिनका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जाइए भैया व्हाट्सएप, उनको डीएम करिए, मैसेज करिए जाके, और भैया इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी, उनका यूज करिए। उसके बाद मैच देखते देखते मजे तो करिए ही करिए, लेकिन सेम टाइम पे पैसा छापिए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।